हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर के 3 क्वेश्चन लेने के आ रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज़ 3:4 एंड ratio of their expenditure is 2:3 and each saves 200 rupees. Find the income of A and B. A और B के आय का अनुपात 3:4 है, दोनों के खर्च का अनुपात 2:3 है और हर एक 200 rupees की बचत करता है। तो A और B की आय बताओ। तो दोस्तों, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। अब हमको मालूम है कि जो ए और बी इनकम का जो रेशियो है वो है हमारा 3:4 और दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 2:3। इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड मैं आपको यहाँ बताऊंगा और सेकंड यहाँ। फर्स्ट मेथड है, तो फ्रेंड्स मान लो उसकी इनकम जो है हमारी, लेट इनकम जो है उसकी 3x व 4x है और उनका खर्च जो है 2:3 है, लेकिन वो बचा कितना रहा है, बचा कितने रहे हैं 200 रुपीज़। तो जो उनकी इनकम होगी यानी कि 3x उनकी टोटल इनकम बचत, उसमें से हम सेविंग्स जो है वो माइनस कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड वाले की बचत 4x है, वो इनकम 4x है, और जो अगर जो उसमें से हम जो उनकी सेविंग्स है 200 रुपीज़, उनका जो रेशियो मिलेगा वो उनका हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलेगा यानी कि 2:3। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 9x 600 इक्वल्स टू 8x माइनस 400। एक्स 600 डाल देंगे, एक्स इक्वल्स टू हमारा 200। उसी तरीके से पुट कर देंगे, ए की इनकम हो जाती है हमारी 3x इक्वल्स टू 3 × 200 यानी कि 600 रुपीज़। इसी तरीके से बी की इनकम 4x 4 × 200 यानी कि 800 रुपीज़। और दोस्तों सेकंड मेथड, उनकी मैंने आपको बताया था कि इनकम का रेशियो 3:4 2:3, इसको भी ऐसे ही 3:4 2:3। हम इनको सबको ऐसे, अब इनका जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि 3 × 3 = 9 इसकी मल्टीप्लीकेशन और 4 × 2 = 8। अब बचत कितनी है दोनों 200 200 रुपीज़, 200 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो × 200 यानी कि 600, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 400। इसका और इसका डिफरेंस कितना है हमारा 1, और इसका और इसका डिफरेंस हमारा कितना है 200 यानी कि 1 = 200। देन जो हमारी इनकम है ये, इसमें हम 200 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे यानी कि 600 × 200 = 800। ये हमारी ए और बी की हमारी इनकम आ गई। ऐसे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन ये है ए, अब इसमें दिया क्या है कि दोनों अलग अलग बचत कर रहे हैं यानी कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है, उनकी बचत क्रम से 2000 व 1000 है, ए बी की आय बताओ। दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा,
मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। ए और बी इनकम का जो रेशियो है वो 3:2, और उनके एक्सपेंडिचर का यानी कि खर्च का रेशियो है 4:3। इन फर्स्ट में सबसे करते हैं यानी कि इनकम मान ली हमारे, हमने माना इनकम 3x/2x, तो 3x माइनस ए हमारा कितना बचत करता है, ए ए की बचत हमारी कितनी है 2000 रुपये, बी की बचत कितनी है 1000 रुपये, तो जो टोटल इनकम है उसमें से हम बचत को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है उसका एक्सपेंडिचर का जो है रेशियो आ जाएगा 3x/2x-1000 इक्वल्स टू 4:3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x/6000 अपॉन और इक्वल्स टू 8x-4000। अब सॉल्व करेंगे तो x=2000, तो ए की इनकम कितनी थी 3x, तो ए की इनकम हो जाएगी 2000 × 3=6000। सब ऐसे ही बी की इनकम 2000 × 2=4000, और शॉर्ट मेथड हमारा वही ए बी का रेशियो हमने पुट किया 3:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3। इस केस में मल्टीप्लिकेशन की यानी कि 3×3=9, इस केस में करी 4×2=8, डिफरेंस कितना है 1। इसी तरीके से ए ने बचत कितनी थी 2000 रुपये, 2000 × 3=6000, बी की बचत कितनी थी 1000, 1000 × 400 यानी कि 4000, कितना आया हमें डिफरेंस 2000। इसी 2000 को मल्टीप्लीकेशन किया इसमें तो ए की इनकम कितनी आएगी 6000, इसी तरीके से इसमें किया तो बी की इनकम कितनी आई 4000। और जो अब जो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक थैले में 5 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपये है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे? दोस्तों आप क्वेश्चन को देख लीजिए बिल्कुल। अ बैग कंटेन्स ₹410 इन द फॉर्म ऑफ ₹5, ₹2, and ₹1 कॉइन्स। द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन रेशियो 4:6:9, सो फाइंड द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर दूँगा। तो हमारे पास सिक्के कितने कितने रुपए के हैं, एक तो 5 रुपए के, एक 2 रुपए का और एक 1 रुपए का। ये है किस रेशियो में हमारे, यानी कि 4:6:9। अब दोस्तों यानी कि 5 रुपये के हमारे पास सिक्के कितने हैं 4, 2 रुपये के सिक्के 6, 9, 1 रुपये के सिक्के कितने हमारे पास 9, तो इनको जो योग होगा यानी कि 4 सिक्के 5 रुपये के हैं तो टोटल कितना हो गया अमाउंट 20 रुपये। ऐसे ही 6 सिक्के हमारे 2 रुपये के हैं तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 12 रुपये। ऐसे ही 9 सिक्के हमारे पास 1 रुपये के हैं तो कितना अमाउंट हो गया 9 रुपये। तो इसका इसका सो क्या हुआ, इसका टोटल सम कितना हुआ 20 12 32 12 9 41, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन हमारी तरह से है उनका जो पूरा सम है सिक्कों का वो है 41, लेकिन
हमें क्वेश्चन में दिया कितना है 410, कितना गुना हो गया इसका 10। तो इसी तरीके से हमें 2 रुपए के सिक्के याद करने थे, कितने थे हमारे पास 6, तो 6 मल्टीप्लाई इंटू 10, 60 कॉइन्स हमारे रुपीज़ 2 के होंगे। इसी तरीके से अगर जो 5 रुपए के सिक्के पूछता कितने थे, तो 4 गुना 10 40, 1 रुपए के पूछता हमारे पास तो 9 इंटू 10 90। ओके दोस्तों, आज के लिए इतने के लिए काफ़ी है। आगे दोस्तों मैं लाऊंगा आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो, मैंने सैंपल के तौर पर डाली थी, पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू दोस्तों।